हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास थर्ड की हिंदी बुक रिमझिम से कहानी पढ़ेंगे, मूस की मजदूरी। ओके, कहानी का नाम क्या है? मूस की मजदूरी। मूस आपको पता है, मूस का क्या मीनिंग होता है? मूस का अर्थ होता है चूहा। तो यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे कि चूहा किस तरह से मजदूरी करता है। ओके, तो ये एक नागा लोक कथा है। नागा लोक कथा मीन्स नागालैंड की लोक कथा है। ओके, जिसके बारे में हम पेज नंबर 45 पर पढ़ेंगे। ओके, आपको ये पढ़ने के लिए है और इसे आपको ध्यान से पढ़कर समझना है। ओके, बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान मतलब धान की खेती जिससे चावल निकाला जाता है। ओके, तो क्या आपको पता है कि धान की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा धान की खेती कौन से राज्य में होती है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में खेती, धान की खेती कहाँ होती थी? छत्तीसगढ़ में। ओके, सबसे, और इसके बाद में नागालैंड के, नागालैंड में, क्योंकि वहाँ पर सिक्किम, असम और जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर सभी जगह पर कौन सी खेती की जाती है? सीढ़ीदार, सीढ़ियों में। ओके, सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरे के बीच में देखा। तो सबसे पहले धान का पौधा कहाँ देखा? पोखरे के बीच में। पोखरे मीन्स तालाब। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। क्या कर रही थी? धान की बालियां झूम झूम कर आदमी को बुला रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था, लेकिन वो पोखरी तालाब थी, बहुत ही ज़्यादा गहरे थे, उसके पानी बहुत गहरे थे, तो उसके पास जाना बहुत ही कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। मूस मीन्स चूहा। ओके, आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, उसने चूहा को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। उनने क्या कहा कि मूस भाई, धान की जो बालियां हैं वे मुझे झूम झूम कर बुला रही हैं, लेकिन पोखरी का, तालाब का पानी बहुत गहरा है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनत आने का हिस्सा देंगे। मेहनत आने का मतलब जो मेहनत आप कर रहे हो किसी काम के लिए, परिश्रम, तो उसके जगह पर क्या क्या देंगे? उसके जगह पर आपको आपके मेहनत का फल, मतलब रुपये कुछ देंगे। ओके, मूस को भला क्या ऐतराज़ था, मतलब ऐतराज़ मीन्स कोई परेशानी नहीं था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। किनारे, किनारे मीन्स बीच। ओके, तो कुतर कुतर कर वो कहाँ पर लेके आने लगा? किनारे मीन्स पोखरी, तालाब के किनारे। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया और सभी चूहा कुतर कुतर के सभी धान की बालियों को ले आया तालाब के किनारे पर। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो मूस भाई ने क्या कहा, आदमी ने क्या कहा मूस भाई से, मतलब चूहा से, कि तुम इसमें अपने मजदूरी का हिस्सा अपने आप से ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? उसने क्या कहा, मैं छोटा सा जीव हूँ और मैं अब इतना बड़ा हिस्सा को अपने छोटे से सिर पर कैसे ढोकर लेके जाऊंगा? ढोकर मीन्स उठा कर ले जाना। ओके, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। और तो उसने क्या कहा, आदमी से कहा कि मैं कैसे ले जाऊँगा उठाकर? ऐसा कीजिए आप कि आप पूरा धान
पूरा हिस्सा धान का ले जाइए अपने घर, और मैं आपके घर में ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूँगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 46। आदमी ने ऐसा ही किया, तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? ये तभी से हम देखते हैं कि क्योंकि आदमी ने धान का पूरा हिस्सा, अपना भी, अपना हिस्सा के साथ साथ चूहा का भी सभी हिस्सा वो अपने घर पर ले आया था रखने के लिए, तो इसीलिए हम देखते हैं घरों में चूहा आते हैं ना। चूहा क्यों आते हैं? हमारे घर के अनाज को खाने, धान चावल गेहूं और जितने भी अनाज रहते हैं सभी को खाने के लिए आता है। ओके, तो कवि कौन है, लेखक कौन है इस स्टोरी के, इस कहानी के? राम नंदन जी हैं। ओके, तो बच्चों ये स्टोरी आपको कैसे लगी? इसे आपको अपने अपने से ध्यान से और एक बार पढ़ना है। ओके, थैंक यू।